हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richagandhi.in। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाई हूँ। आपको डे वन लिखा हुआ दिखेगा, वो इसीलिए क्योंकि आज मैं इस तरह का लाई हूँ कि जो एकदम फ्रेशर्स है, जिनको मेहंदी समझ नहीं आती पर डोरना, उसको बनाना बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए मैं स्पेशल 5 क्लास बना रही हूँ। जैसे कि मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, सबके एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है, साथ ही साथ किसी किसी लोगों को मेरे शेप समझ में आते हैं पर कैसे बनाए वो फिर से समझना है डिटेल में, तो इसी के लिए मैं लाई हूँ। और इसे बोलते हैं क्रैश कोर्स। तो ये क्रैश कोर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं 5 डे का क्लास रख रही हूँ, जिसमें आप मेहंदी का परफेक्शन, शेप परफेक्शन जो अभी भी नहीं आ रहा वो आ जाएगा। और मैं ये बेसिक तरीके से करने को लाई हूँ, इसीलिए आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये 3 चीज़ें। ये है सिंपल हमारी पेंसिल, ये है पायलट पेन, वैसे ही ये आती है एक स्टिक पेन, और ये है सीडी मार्कर, जिसके जगह पे आप स्केच पेन इस्तेमाल कर सकते हो, अब जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी बनाना शुरू कर रही हूँ और कोई डिटेल है तो मैं बीच में बताती जाऊंगी। तो क्रैश कोर्स शुरू करते वक्त पहले मैं आपको कैसे बनाते हैं मेहंदी वो समझाऊंगी, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। तो पहले ये 2 चीज हम साइड में रख देते हैं, और सबसे पहले हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे डिजाइन। ओके, तो बनाने के लिए मैं सिंपल शेप से ही शुरू कर रही हूँ। तो सिंपल शेप से शुरू करते हुए मैं पहले बनाऊंगी एक सर्कल। ओके, और मैं बताना चाहूंगी, आप पेंसिल से बना रहे हो तो एकदम आसानी से अगर आप इरेज कर रहे हो तो आपकी वो चीज दिखनी भी नहीं चाहिए और क्लियर भी हो जानी चाहिए। इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है और इसी तरह से आपको इसे बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बनके तैयार है। एकदम हल्का बनाना है क्योंकि एंड में हम स्टिक पेन और स्केच पेन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे बनाएंगे हाफ सर्कल। गैप को खास मेंटेन करेंगे, अगर गलती हो रही है तो इरेज कर किया कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे हल्के से भी कर सकते हो, खींचना नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस खींच के कम करें और एक साथ आए वैसा ज़्यादा करें, क्योंकि पेंसिल है फिर कोन में हमें बिल्कुल खींचना नहीं है, जो मैंने मेरे बहुत सारे क्लास है उसमें दिखाया हुआ है। ओके, ये हमारा हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए ये मैंने हाफ लिया है, नीचे के पार्ट में मैं नई डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। हाँ, आपको इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, उसके लिए सॉरी। ये है कि हम बनाएंगे कुछ बेसिक स्टेप लेके, जो मैं आपको पहले दिखाने चाहती हूँ, और वो है इस तरह का। ओके, तो इस तरह से हमारी ये जो शेप है वो आप ध्यान से देख लीजिए। अभी मेरे को ये थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर जो गैप रखा था मेरी डिजाइन के लिए, उसमें मैंने आपको शेप दे दिए हैं। आज आपके लिए सिर्फ इतने शेप है, पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो फिर ये डिजाइन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसानी है, सिंपल ही है। आपको ये सीखना है, डे 5 में मैं आपको परफेक्शन सिखा रही हूँ, तो आप ध्यान से उसको देखें और जरूर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। शेप परफेक्शन के साथ अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 डेज में मैंने हो सके उतनी डिजाइंस ले ली है जिससे आपको शेप बनाने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, मैंगो के आप देख सकते हो, उसमें मैंने 3 शेप लिए हुए है। ओके, अब शुरू करते हैं, मैं थोड़ा गैप छोड़ देती हूँ, उसके हिसाब से शुरू करते हैं। ओके, एक बॉर्डर बना देते हैं इसकी।
फिर थोड़े गैप पे फिर से एक बॉर्डर बना देते हैं। आप देख सकते हो पेंसिल से बनाने पे मेरे हाथ थोड़े शेक हो रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि हमें कौन से बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है पेंसिल से नहीं। तो ऐसा होता है, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें इसमें फिनिशिंग एंड में देना ही है, वो सॉरी नॉट फिनिशिंग, हमें लाइनिंग्स करनी है उसके थ्रू, मतलब स्टिक पेन और सीडी मार्कर के थ्रू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पे फ्लावर, जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था वही फ्लावर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि फ्लावर की हाइट एक सी होनी चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे हो गया ऐसा, तो आप चाहो तो इस तरह से करके भी इसे सही कर सकते हो। और सब फ्लावर्स की साइज एक सी होनी चाहिए। मेरे फर्स्ट फ्लावर की साइज बहुत ज्यादा है तो मैं उसे कम कर दूंगी। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो चुका है फ्लावर्स। आप देख सकते हो मैंने जहां जहां इरेज किया है वहां पे आपको दिखेगा भी नहीं, इतना लाइट में बना रही हूं। मैं जानबूझ के गलतियां कर रही हूँ जिससे इरेज करके आपको दिखा सकूं कि क्या आपकी मिस्टेक इसमें हो सकती है। तो आप उन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रख के ही बनाए डिजाइन्स। ओके, पहले मैं सारे शेप बना देती हूँ एक बार पेंसिल से, फिर इसमें सीडी मार्क मतलब सॉरी स्केच पेन और स्टिक पेन से कैसे करना है वो दिखाऊंगी। अब ये करने के बाद हमारा ये फ्लावर बन के तैयार है। अब हम इसमें से लेंगे ये वाला डिजाइन, जो पान शेप आप बोल सकते हो। ये बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, कोशिश करो तो आसान ही है। एक बार इसकी ट्रिक समझ आ गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी ट्रिक एक ही है कि जब भी आप बनाओ तो इसको एकदम हल्के से बनाओ, और मिडल पार्ट पहले से डिसाइड करके रखो कि आपको कहाँ पे रखना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप बनाओगे तो ये पक्का बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो देख सकते हो मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से बना दिया है। ठीक है, और मैं इसको अब ज्यादा परफेक्शन नहीं दे रही, वजह यह है कि हमें आगे जाके फिर यही करना है। तो अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसके आसपास हम बनाएंगे इस तरह की मैंगो। ओके, तो उस बात का ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे। आपको दोनों तरीके से मैंगो बनाना है तो बना सकते हो। आप चाहो तो मैंगो को पहले आगे से बनाओ और फिर पीछे से बना के कर सकते हो, और चाहो तो पीछे से पहले बनाओ और फिर आगे से ऐसे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों तरीके से आप तो उसको बना सकते हो, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि इसकी हाइट ज्यादातर सेम होए, बहुत बड़ा ना बने। ओके, सेम वैसा ही हम इस और भी बनाएंगे, जो मैं आपको दूसरी तरीके से बताना चाहूंगी जिससे आपको ये बनाने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से हमारे ये दोनों डिजाइन बनके तैयार है। जैसे कि इसकी हाइट मेरे को हल्की सी ज्यादा लग रही है, तो मैं इसको मैनेज करके थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। ओके, तो ये बनके हमारा तैयार है।
ओके नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट बनाना है यहां पे और यहां पे, ये वाला मैंगो। डायरेक्शन आप चाहो वो ले सकते हो, अप और डाउन, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो वो हम बनाते हैं। बनाने के लिए हम पहले एक कोना नक्की कर लेंगे कि ये जो पॉइंट आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए। तो उस हिसाब से ये पॉइंट आया। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा वाला बना दिया है। बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ओके, तो वो बनाने के लिए एक और बात, अगर आप इसको नीचे की ओर बना रहे हो, मतलब जो ये मुंह है वो नीचे की ओर रख रहे हो, तो यहाँ पे भी मुंह नीचे की ओर ही रखना। डायरेक्शन दोनों की सेम रखना। क्यों? क्योंकि वो आगे में डिजाइन जो दूसरी ले रही हूं वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उस हिसाब से अब हम यहाँ पे भी बनाएंगे। हो सके तो ऐसे एक बार हल्के से मेजर कर ले और फिर वो बनाए, तो डिजाइन बहुत ही अच्छे से बनेगी। ओके, तो इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे ये वाला शेप। आप इसमें चाहो तो अपने हिसाब से यही शेप को ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसके अलावा कोई और शेप ऐड करना चाहो, रिमूव करना चाहो तो कर सकते हो। तो अभी हम ये वाला शेप बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाली लाइन बनाएंगे जो इसको फॉलो करते हुए बनेगी, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में हमने जितना गैप रखा है उतना ही गैप हम एंड तक रखें। ओके, तो इस तरह से हमारी ये दो डिजाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंगे ये वाली डिजाइन जो बनाएंगे यहाँ पे, जो इसको फॉलो करते हुए बनेगी। ये भी बनाना बहुत ही आसान है। पहले ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऊपर से उसको कर्व शेप बनाओ, और फिर नीचे की ओर ले जाते हुए उसको नीचे की ये वाली फर्स्ट वाली लाइन के यहाँ पे ज्वाइन करो। बिल्कुल वैसे ही दूसरा बनाओ, और जब जब ऊपर जाएंगे थोड़ा थोड़ा छोटा बनाते जाना है हमें। ये अक्सर ज्यादा से ज्यादा दो या तीन, मैक्स चार, तीन से ज्यादा ज्यादातर नहीं आते, कभी कभार आ गए तो तीन से ज्यादा चार, उससे ज्यादा ये नहीं आते। ओके, बिल्कुल वैसा ही हम इस और भी बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमारी डिजाइन बन चुकी है, और जो ये नीचे का गैप है वहां पे हम एक मैंगो शेप ले रहे हैं, सिंपल वाला। ये आप बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा, इन केस नहीं बनाओगे तो भी ये अच्छा ही लगेगा। और इसके आसपास हम यही वाले शेप पतले पतले बनाएंगे, पतले और छोटे, जो आएंगे ज्यादा से ज्यादा तीन या चार। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइन बन करके तैयार है। अगर आप लोग चाहो तो इसको ऐसे ही रख के इसकी प्रिंट निकाल करके आप उसको कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, richagandhi.in करके ही मेरी वेबसाइट है। तो आप इसको ऐसे ही रख के इसकी प्रिंट निकाल के इसी के ऊपर अपने शेप की प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसके लिए आप ले लोगे एक स्केच पेन। मैं यहाँ पे पहले भी बताया सीडी मार्कर ले रही हूँ, आप इसी इधर स्केच पेन ले सकते हो।
तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सब डिजाइन की बॉर्डर्स बना दूंगी। ओके, तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ और अब मैंने आपको शेप का डिटेल दे दिया है, तो अब मैं इसको फर्स्ट फॉरवर्ड फॉर्म में दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमारी ये बॉर्डर्स बनके तैयार है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड आधा आधा पार्ट है, तो मैं आधे पार्ट में आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी। सेम आधे पार्ट में मैं नहीं करूंगी, ये आपको प्रैक्टिस की शीट फॉर्म में भी मिल जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आधे वाले पार्ट में फिलिंग करके आपको दिखा रही हूँ। जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टिक पेन, ये है पायलट पेन, पर आप स्टिक पेन ले सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट फिलिंग समझ नहीं आती तो आप पहले पेंसिल से बना के अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर उसको इरेज करके फिर उस पे स्टिक पेन से करें। पेंसिल से की हुई फिलिंग पे डायरेक्ट कभी भी स्टिक पेन से ना करें, क्योंकि पेंसिल की नीब थोड़ी मोटी रहती है स्टिक पेन या पायलट पेन के अकॉर्डिंग, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ फिलिंग। ओके, अब हम बनाएंगे लाइनिंग्स। ओके, एक और लाइनिंग ऐसा बनाया है जो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही हम इस और बनाएंगे, जो आपको आना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप लाइनिंग्स बना रहे हो ऐसे पान शेप में, तो खास ध्यान रखें कि लाइनिंग्स एक समान लगे, मतलब वी शेप में दिखनी चाहिए। आपने इस और ऐसे बनाया, इस और इधर की और आप फिर से ऐसा बनाओगे तो अच्छे से नहीं दिखेगी, तो उस बात का आप खास ध्यान रखें। और इसी तरह से लाइनिंग्स बनाएं। ठीक है, ये मेरे को एक में आपको दोनों ओर की लाइनिंग्स दिखानी थी, इसीलिए मैंने इस तरह का बनाया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला स्टेप। तो वो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा ये, यहाँ पे हम बनाएंगे दो लाइंस और दो लाइंस, मतलब टोटल फोर लाइंस, और फिर ऊपर यू शेप पैटर्न। फीलिंग्स बहुत ही शांति से और ध्यान से करें, नए नए हो तो, और पुराने हो और अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो फिर तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। अभी फिर से हम ऐसे ही फोर लाइंस लेंगे। और फिर से हम यू शेप पैटर्न की दो लाइंस लेंगे। फिर से हम फोर लाइंस बनाएंगे। फिर से टू लाइंस में यू शेप पैटर्न। ओके, तो इस तरह का सेम आप यहाँ पे भी बना सकते हो, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इसीलिए मैं आधा पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ। आगे
हम यहाँ पे बनाएंगे लाइंस। ये लाइंस थोड़ा नया है, और वैसे नया नहीं है पर आप फ्रेशर्स हो तो आपके लिए तो नया ही है। तो आप इसकी अच्छे से देख के अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, और हो सके तो जैसा मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा बनाएं। ये बनाने से बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है मेहंदी में, जो बनाने में मेरे को भी बहुत टाइम लग चुका है। तो आप देखें और ध्यान से बनाएं। ओके, बिल्कुल ऐसा ही ये दोनों में भी हम बनाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी बिल्कुल मेरी ही तरह फास्ट बनाना भी सीख जाओगे। पहले से फास्ट बनाने की कोशिश ना करें, पहले अच्छे से उसको फिनिशिंग लाए, बाद में उसको फास्ट बनाए, जिससे आपकी मेहंदी का जो शो है वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक वैसा ही इसमें भी हम बना देंगे। ओके, ये बन के तैयार है। ऐसा ही इधर की ओर 3 है, तो आप उस पे अपनी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं यहाँ पे ये बना के नहीं दूंगी। ओके, नेक्स्ट वाला ये डिजाइन। यहाँ पे हम बनाएंगे सिंपल राउंड शेप, जो आपको आते होगे, नहीं आ रहे तो कोई नहीं, देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। एक मैंने यहाँ पे सर्कल जैसा बनाया, और सर्कल को अंदर की ओर खींच के छोटा सा कर्व शेप लिया। फिर उसके ऊपर मैं बनाऊंगी 2 बॉर्डर। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी कोना पकड़ते जाना है और हमें बनाते जाना है। आपने देखा मैंने कैसे पूरा डिजाइन बना लिया, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है। एक और बात, जब आप ये शेप में फिलिंग्स कर रहे हो सके तो नीचे से ऊपर लो, ऊपर से नीचे कम लेना। कोई कोई डिजाइन ही होती है जिसमें आप ऊपर से नीचे ले सकते हो, पर ज्यादातर नीचे से ऊपर लेने में वो डिजाइन अच्छी लगती है, प्लस वो शेप के अकॉर्डिंग वो डिजाइन सेट भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंगे तो वो ये है कि ये वाला शेप, तो वहां पे हम बनाएंगे कोने में वैसा ही वाला एक सर्कल। ओके, फिर उसके ऊपर 2 बॉर्डर, फिर उसके ऊपर ऐसी ही एक यू शेप लाइन वाली पैटर्न, फिर उसके ऊपर बड़े बड़े सी शेप, और फिर उसको थोड़े दूर से एक लाइन बना के बॉर्डर जैसा बना देंगे, और जो ये पार्ट है उसको हम कर देंगे फिल। और फिर इसकी एक हल्की सी लाइन बना के इसको बॉर्डर बना देंगे। बस सेम ऐसा ही हमें अब पूरा यहाँ तक बनाना है, तो वो शुरू करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी ये वाली डिजाइन्स भी बनके तैयार है। ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती है, तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है अब हमारा ये वाला फ्लावर, तो जिसमें मैं यहाँ तक आपको दिखाऊंगी, ये तीन फ्लावर आप खुद से कोशिश करोगी। इसमें हमें ऊपर की ओर डार्क करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्केच पेन। ठीक है, स्केच पेन से अगर बॉर्डर डार्क करनी है तो आप स्केच पेन लोगे तो उससे अच्छा दिखेगा। कौन रहेगा तो आपको इतना टेंशन ही नहीं है, कौन में तो हम ऐसे बॉर्डर बना के प्रेस ज्यादा करेंगे तो वो अपने आप ही निकल आएगा। ओके, बाकी के फ्लावर्स की प्रैक्टिस आप लोग करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे की ओर हल्की सी सिर्फ लाइंस बना देंगे। तो ये भी रेडी है। अब हम लेंगे इससे नीचे वाला स्टेप, यहाँ पे हमें बनानी है सिंपल लाइंस। मैं यहाँ तक रही हूँ, बाकी का आधा आप खुद बनाएंगे। अब इससे नीचे वाले सर्कल में हम लेंगे चेक्स। आप इसमें कुछ और लेना चाहे तो ले सकते हो। अभी मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रही हूँ, तो मैं सब बेसिक बेसिक स्टेप्स और लाइंस ले करके ही दिखा रही हूँ, जो एकदम फ्रेशर से उनके लिए ही है ये, और जो अच्छे से कर चुके हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस डिजाइन है। अब हम इसको फिल करेंगे। फिल करते वक्त हमें बहुत ही ध्यान रखना है, एक बॉक्स फिल करना है और एक नहीं करना है। तो जब भी आप बनाओगे तो आप ध्यान रखना, जब मैं नया नया करती थी तो ये ऊपर नीचे की लाइंस में थोड़ा घोटाला हो जाता है और एक साथ दो बॉक्स भी कभी कभी हो जाते हैं, तो उस बात का आप ध्यान जरूर रखें। ओके, मैंने चेक्स पूरा कर लिया है, आप फिर से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं, ये लास्ट डिजाइन है जो मैं आपको बना के दिखा रही हूं, और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि नीचे से आप ले सकते हो, वो ये वाली डिजाइन है। तो अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं, नीचे की ओर से कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे सर्कल, फिर यहाँ पे जो ये सर्कल बनाया है उसको दो बॉर्डर बना देंगे। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे यू शेप पैटर्न। जो ये यू शेप पैटर्न है उसको बना देंगे बॉर्डर में। फिर से बनाएंगे उसकी एक बॉर्डर, फिर बनाएंगे सी शेप पैटर्न, फिर उसको भी बना देंगे एक हल्की सी दूर से बॉर्डर करके उसको भी कर लेंगे फिल। फिर यहाँ पे भी उसकी एक बॉर्डर बना देंगे। फिर हम थोड़े गैप पे एक लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे लाइंस। फिर इसकी बना देंगे एक बॉर्डर और फिर यहाँ पे बनाएंगे लाइन बना के ऊपर
हल्का सा डॉट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप ये डिज़ाइन बनके तैयार है। डे वन में इतना ही रख रही हूँ, आप लोग इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके रिलेटेड अगर आपको शेप की कोई और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। और आपको बताना चाहूँगी, मेरी richagandhi.in की ये यूट्यूब चैनल में मेरा क्लास 1, 2, 3 और 4 है, जो मैंने इसी तरह के बेसिक स्टेप्स पे ही बनाया है। ये इससे एक उससे एक लेवल ये आगे है, तो इसको देखें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।